ये इसको कोई बात नहीं, उसमें आप यहाँ रहेंगे ना? हम यहाँ रहेंगे, तो इसको उठा के भागेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। तो वेलकम टू अनदर वीडियो, और आपका स्वागत है आई एम यू ब्लॉग में। तो मेरी पहली राइड आ चुकी है रेनबो हाई स्कूल पिकनिक गार्डन से। ये जाएंगे मिर्जा गालिब स्ट्रीट। रेनबो हाई स्कूल कौन सा बाबू? यही है ना? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे रुक दे यहाँ, चलिए आइए यहीं पे ना। देख लेते, 70 रुपीज तो बोल रहा था आपका बेटा, 71 हो गया। देखिए है ना, ठीक, थैंक यू। ये मेरी पहली मिशन हो गई है कंप्लीट, और मैं दूसरी राइड का करता हूँ वेट। सो दोस्तों, फाइनली ये दूसरी राइड मेरी आ चुकी थी, बट भैया ने मुझे कहा, मैंने उसे कॉल किया कि मैं पिकअप लोकेशन पे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब 15 मिनट आपको वेट करना होगा। तो भैया हमारे पास वो वेट करने का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कहा कुछ पैसे बढ़ा कर देंगे, तो बोला नहीं जो दिखा रहा है मैं वही दूंगा। मुझे भैया, तो फिर मैं समाज सेवा करने के लिए नहीं निकला, पैसे कमाने निकला हूँ। सो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप में से कोई भाई अगर चलाते हैं ओला उबेर, तो ये एक नई ट्रिक है कैंसिल करने की। उतना ऑप्शन में जाना नहीं पड़ेगा, बस इस तरीके से प्रेस करते रहो और ये हो गया कैंसिल, और दूसरी राइड का फिर से वेट करना पड़ेगा। कितना सिंपली कैंसिल हो गया भैया, ठीक है। इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हो। एक मिनट भाई, पैकेज, ये पैकेज बुकिंग है। मेरे को लगा कोई लेडी जाएगी मैम, चलो इसे ड्रॉप करते हैं। ये हमारी दूसरी राइड है उबेर कनेक्ट में, देख लेते हैं बालीगंज जाएंगे। चलो दोस्तों, हाँ ये इसको कोई बात नहीं, उसमें आप यहाँ रहेंगे ना? हम यहाँ रहेंगे, तो इसको उठा के भागेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। देखना पड़ता है, ये बैग वैग का झमेला नहीं रहना चाहिए ना, हम लोग चले जाते हैं ऊपर। बट इसमें बहुत सारा सामान है ना पैकेज का, देख लेते हैं यहाँ पर पहले ओपन करके। कभी कभी चेंज भी हो जाता है ना। 66 है, हाँ। कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर, ठीक है मैम, ओके। ले लीजिए मैम, आपका है ना आंटी, आपका ही है ना? ठीक है, चले आंटी, ठीक है, थैंक यू। ये 5 किलोमीटर्स था और मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। मैम बोल रहे थे फिर से एक ऑन राइड बुकिंग आ चुकी है पैकेज, तो देखता हूँ कहाँ जाएंगे ये। पैकेज पे पैकेज हो गया मैम। जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।
चलो अब दूसरी राइड की। हेलो, हाँ मैम, कहाँ जाएगा आपका पैकेज? अच्छा, क्या है मैम आपका पैकेज में कुछ बड़ा? अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रहा हूँ मैम। जी मैम, जी मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम। डिलीवरी पॉइंट में मिलेगा आपका, है दीजिए। ओटीपी है क्या मैम? अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं, आप थोड़ा कॉल पे रहेंगे? कभी कभी आता भी है, इसीलिए देख ले रहा हूँ ऑन करके। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू। मेरा इनबॉक्स में दे देंगे, उबेर का इनबॉक्स में दे देंगे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, उस पर हम जाकर कॉल कर लेंगे। ठीक है, वो आपका लोकेशन दिया हुआ है ना? हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, पहुँच जाएंगे मैम। ठीक, थैंक यू। तो ये हमारी है तीसरी राइड, आज तो कमाल ही हो गई भाई, बैक टू बैक कॉल आ रही है, पैकेज पे पैकेज, पैकेज पे पैकेज, जय हो। चलो भाई, और करते हैं स्टार्ट तीसरी राइड की। हम लोग को लोकेशन जो भी दिखाता है उधर ही चले जाते हैं, लोकेशन थोड़ा बहुत भी गलत डालने से ना। पकड़िए इसको, पहले क्या है आपका मेडिसिन, उसके बाद देख लेते हैं। कितना हुआ आपका? 66 रुपीस। ठीक है, चलिए ये लाइट हो गई कंप्लीट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा उबेर में किस तरीके से काम किया जाता है और हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का लॉजिक यही था कि जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं उबेर में, तो उसे पता चले कि उबेर में किस तरीके से पैसेंजर को पिकअप और ड्रॉप किया जाता है, और उबेर कनेक्ट में पैकेज जो बुकिंग होते हैं उसे कैसे पिकअप और ड्रॉप किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहूँगा, जो भी नए भाई इसे ज्वाइन करना चाहते हैं उबेर में कनेक्ट, जब भी कोई पैकेज डिलीवरी करो तो सबसे पहला काम है आप उस पैकेज का वेरीफाई कर लो कि उस पैकेज के अंदर क्या है। जैसे कुछ नशीली पदार्थ ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ ऐसा वेपन या फिर कुछ अलग चीज़ें जो हम लोगों में वेस्टेक्ट है, ऐसी कोई चीज़ें, और जब आप कंफर्म हो जाओ तभी उस सामान को पिकअप करो। और ड्रॉप करने के वक्त खास कर ये काम कर लेना कि उनका पिक ले लेना, ताकि आपके पास प्रूफ है, और कस्टमर को क्लियरली दिखा देना कितना भी फेयर हुआ है, क्योंकि पैकेज में हमेशा जो फेयर फर्स्ट टाइम दिखाता है वो आपका ड्रॉप करते करते जो है उसका फेयर कुछ चेंजिंग हो जाता है। जैसे कि हमारा ये दो पैकेज बुकिंग हमने लिए थे, तो कस्टमर ने कहा कि मुझे तो 46 दिखा रहे थे लेकिन यहाँ पे फिर 66 हो गया। तो ये रिलेट होता रहता है मैप, क्योंकि बहुत सा वक्त ऐसा भी होता है कि हम लोगों को जिस रास्ते से जाना होता है टाइम वाइज, लाइक यहाँ पे 1 वे 2 वे का मामला आता है, तो फिर वहाँ से किलोमीटर बढ़ जाती है। तो कभी भी कस्टमर से पहले पैसा ना लें, आप उसे बोले कि मैं ड्रॉप लोकेशन पर ही लूँगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप पहले अगर ले लेंगे तो फिर आपका बाद में बढ़ जाएगा, तो फिर आप कहाँ ढूँढेंगे कस्टमर को। तो आज की वीडियो में मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि अब खाना का भी वक्त हो गया है और मेरा नमाज का भी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो और नई ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।